हाय नमस्कार। और फिर से मैं वापस आ गया हूँ अपना दिल्ली ऑफिस में। 3 दिन में जयपुर में था, जो मेरे क्लाइंट्स थे उनकी हेल्प करने के लिए, सिर्फ इन द ज्वाइनिंग प्रोसेस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और हॉचपॉच वाला सिस्टम होता है राजस्थान में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, BDS MBBS एक ही जगह था। एनीवे, राजस्थान का स्ट्राइक आया, मैंने एक वीडियो कल बनाया था। वेरी फ्रेंकली मैंने भी उड़ते उड़ते बनाया था प्रैक्टिकली रास्ते में, लेकिन 3 लाइनों पे था जिसमें मैंने अब ध्यान दिया। और मेरा फर्ज था कि वो वीडियो मैं बनाऊं, क्योंकि मुझसे पहले सच बताऊं सुबह से 2 फोन आ गए और लोगों ने पेड कॉल ली, और फिर मुझे भी पढ़ना पड़ा। मैंने नहीं पढ़ा था बारीकी से, मेरी गलती हुई थी। वो है ये देखिए, और इस लाइन का मतलब क्या है, इस पैराग्राफ का। तो बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं कि, ठीक है, ये टाइम वेस्ट वाली बात भी लग सकती है, कि डिफरेंट डिफरेंट ना स्टेक होल्डर्स होते हैं। जब आप सीट लेना चाह रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आपको सीट चाहिए, ठीक है ना। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, कॉलेज चाहते हैं उनकी सीटें भरे, और ये जो राजस्थान बोर्ड होता है, ये सब काउंसलिंग कमेटीज है सरकार के द्वारा। इनका फर्ज है कि ये कॉलेज की सीटें भर दें, ताकि कॉलेज की सीट खाली ना चली जाए। और खासकर जब से ऑनलाइन काउंसलिंग का जमाना है, 2023 में भी हमने देखा था बहुत सीटें वेस्ट हुई थी, क्योंकि ऑनलाइन में मेरे भी कुछ जो बच्चे हुए क्लाइंट हैं, जो एक्चुअली नए मिले हैं पिछले 3 दिन में, जो दूसरे लोगों के सताए हुए लड्डू पुटे दिस वे। अब वो कह रहे, सर तो कैसे भी सीट चाहिए, 3 भर दो फॉर्म, 5 भर दो, हमारा 5-6 लाख का डिपॉजिट डूब जाए, कोई बात नहीं। क्योंकि डिपॉजिट हर जगह 1-2 लाख रुपए का होता है, जो तो बड़ी रकम होती है मेरी नज़रों में। तो राजस्थान ने इस बार क्या करा, 5 लाख का डिपॉजिट कर दिया। या कर्नाटका ने क्या करा, राउंड 3 से पूरी फर्स्ट ईयर की फीस को एज ए डिपॉजिट ले रहे, ताकि जो भी चॉइस फिलिंग करके जिसको भी सीट मिले वो ज्वाइन करे। धीरे काउंसलिंग बोर्ड को देखिए, आपकी सीट खाने का शौक नहीं है या आपकी डिपॉजिट खाने का शौक नहीं है, बट उनका काम है कि वो काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेज की सीटें भरे। उसी मद्देनजर राजस्थान काउंसलिंग बोर्ड ने ये नया दिमाग लगा दिया, और अब वो कह रहे हैं कि भाई, अगर आपको स्ट्रे में पार्टिसिपेट करना है, तो सिर्फ कैट, PWD, डिफेंस या NRI नहीं, हर बच्चा आएगा 28 तारीख को अपना डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर। आप याद कीजिए तो राजस्थान ने यही काम राउंड 1 से पहले भी लॉन्च करा था, पर उस दिन बहुत गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ गए थे, 3 दिन का टाइम था। हमारे भी कुछ क्लाइंट गए थे राजस्थान डोमिसाइल वाले, और उन्होंने वो प्रोसेस ही बंद कर दी थी, क्योंकि तो देखिए तब तो पूरा राजस्थान आना था और 3 दिन का टाइम था, और भाई उन्होंने क्या सेंटर बहुत सारे बनाए थे, लेकिन बहुत दिक्कत हो गई थी। अब क्या है, देखिए, स्ट्रे मॉपअप में गिनी चुनी सरकारी, गिनी चुनी प्राइवेट सीटें बचेंगी। एक रफली फिगर मानते हैं 200-300 सीटें बचेंगी, उसके लिए 1,000-2,000 बच्चे आएंगे। उस दिन बच्चे आ गए थे शायद हजारों में, तो सेम प्रोसेस उन्होंने इस बार लॉन्च कर दिया है। 28 तारीख को, कहने की बात है, 9 से 12 का टाइम है, पूरा दिन लग जाएगा जी, और शायद 29 तारीख तक भी खींचेगा ये प्रोसेस। कोशिश ये लोग करेंगे 18 तारीख को लेने की, ताकि MCC का रिजल्ट, क्योंकि 29 को आना है। बेसिकली राजस्थान क्या कह रहा है कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास रखो, वो आपसे एक बॉन्ड भी भरवाएंगे कि भाई, अगर तुम्हें राजस्थान में सीट अलोकेट होगी तो तुम राजस्थान को ही ज्वाइन करोगे। तो अब इसका मतलब क्या है, या इसमें से कितना घबराने की बात है। तो देखिए, डेफिनेटली अगर आप 3 या 4 जगह फॉर्म भरने वाले थे डिपॉजिट की चिंता किए बिना भी, तो भी अब आपको राजस्थान नंबर 1 चॉइस करना पड़ेगा। मैं भी राजस्थान एज ए होल बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए राजस्थान का काउंसलिंग बोर्ड सीट की गारंटी नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे ओरिजिनल हमारे पास रहेंगे, और जब हम 30 तारीख को रिजल्ट निकालेंगे, तुम्हें अगर कोई भी सीट मिलेगी हमारी तो हमें ज्वाइन करना, नहीं मिलेगी तो अपने पेपर वापस ले जाना। और फिर अगर आपने MCC या बाकी कहीं पर भी भर रखा है, वहां जाके ज्वाइन कर लो। ये कंडीशन पूरे इंडिया में खाली राजस्थान लेकर आए, पर्पस यही है कि ये अपनी सीटें भर सके। तो आपका मतलब क्या, डरने की जरूरत है नहीं। अगर आपको सीट नहीं मिलेगी, आपके पेपर हाथ की हाथ मेरे उसी दिन वापस मिल जाएंगे, और आपको कोई और सीट मिली है तो आप जा सकते हो। क्या इस रूल का मतलब ये है कि मैं राजस्थान के अलावा कुछ और नहीं भर सकता? भर सकते हो, पर जैसा मैंने कहा, अगर राजस्थान में सीट मिल गई तो ज्वाइन राजस्थान करना पड़ेगा, वो ऐसा बॉन्ड भरवाएंगे। तो लेकिन अगर राजस्थान में सीट ना मिली तो फिर आप कहीं और ज्वाइन कर सकते हो, तो इसलिए अपने बैकअप लेके रखिए। बट ये भरते समय यू नीड टू कीप राजस्थान एज योअर फर्स्ट ऑप्शन। अब देखिए, सबसे बड़ी वो है कि जैसे आपके मार्क्स, और मैं हमेशा कहता हूँ, अभी समय क्या है, डेस्परेट हो चुके होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब कोई हमें, मुझे अप्रोच कर रहा है, 200 नंबर, 215, 20,
220 नंबर पे आपका हरियाणा, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, कहीं कोई तो चांस है नहीं। बंगाल में वैसे 250 रुपये जाने हैं, तो भाई आप राजस्थान को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी बना लो, वहां जाके पेपर जमा करा दो, एमसीसी साइड बाय साइड भर लो, सारे भर लो भैया साउथ के मिला के। अगर राजस्थान मिल गया तो यही ज्वाइन कर लेना, वो 2 लाख रुपये छोड़ देना, मतलब डूब जाएंगे। राजस्थान नहीं मिला तो एमसीसी ज्वाइन कर लेना, वैसे भी 220 नंबर पर और कुछ तो मिलने वाला है नहीं। एक्चुअली समस्या या कन्फ्यूजन एक्चुअली है 280 290 नंबर वालों की, जिनको उम्मीद थी कि शायद हमें कुछ और मिल जाए और हमें राजस्थान में ना जाना पड़े, या कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर हाई है तो ना करना पड़े। तो उन लोगों के लिए वही है, वो देखिए ऐसे काउंसलर इस साल इतने ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि मैं भी नहीं कह पा रहा कि हाँ भी 300 नंबर पे सोलन पक्का मिल जाएगा या यूपी में या गौतम बुद्धा पक्का मिल जाएगा। तो उस केस में वही बात है कि राजस्थान को प्रायोरिटी वन रखिए, बाकी सब बैकअप करके रखिए। एक ये स्ट्रेटेजी है, ये मैं बात करूँ 300 वालों की, 200 220 नंबर के पास तो राजस्थान कोई है ही नहीं ऑप्शन, जो मेरा मानना है पूरे हिंदुस्तान में। 250+ में शायद कुछ एमसीसी में सीट निकल जाए, केरल की महंगी सीट तो किसी भी, सॉरी कर्नाटक की महंगी सीट तो किसी भी नंबर में मिल सकती है अगर बजट बहुत हाई है तो। आपके मार्क्स के हिसाब से आपको सोचना है कि आपको राजस्थान को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, या आपके 310 नंबर हैं, एनी वे आपका बजट नहीं है 1 20 1 30 खर्च करने का, तो आप राजस्थान के सिर्फ 1 करोड़ वाले पैकेज की ऑप्शन भरिए, साथ में साथ दो तीन और भरिए। ऑफ कोर्स इन दैट केस ऑल्सो राजस्थान आपका फर्स्ट प्रेफरेंस बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। तो इस नोटिस का मतलब सर ये है कि इस ट्रे में अगर आप राजस्थान में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको राजस्थान की सीट लेनी पड़ेगी, चाहे आपको कहीं और भी मिल जाए जो बेटर कॉलेज हो, सस्ता कॉलेज हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये है इस नोटिस का मतलब, एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम। जैसे मैंने कहा एमसीसी का लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने का, और चॉइस फिल्म तो फिर भी कल शाम तक अवेलेबल है और कल सुबह तक भी अवेलेबल है। ओके, तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक एमसीसी ने अब रजिस्ट्रेशन का बटन हटा दिया होगा, हटा दिया, तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अब बंद हो चुका है। दैट मीन्स हम लोग फी भी नहीं दे पाएंगे, सॉरी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, साइन इन करके आई थिंक हम कुछ और समय तक फीस दे सकते हैं। ओके, तो ये था इस नोटिस का मतलब, घबराए नहीं, और हमारी मदद चाहिए अभी भी। जैसा मैंने कहा हमारे तो सारे क्लाइंट्स सेट हो गए, 5 6 हैं जो नए आए हैं, तो आई हैव टाइम टू हेल्प यू, कॉल अस ऑन 9643362320। आप जानते ही हैं 5,000 रुपीज़ आई चार्ज फॉर द फर्स्ट टॉक, 50,000 रुपीज़ टू हेल्प यू टू गेट यूर सीट फुल पैकेज, 1.5 लाख रुपीज़ इफ वी नीड टू हेल्प यू फॉर एनी काइंड ऑफ नेगोशिएशन, स्पेशली इन राजस्थान और बंगाल। डिम्ड में तो अब क्या ही करेंगे, क्या अभी भी पॉसिबिलिटी है, लुकिंग एट द गैप। ओके, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।